नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। मैं आपके साथ कुसुम मिश्रा। ये बढ़ते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर पृथला से। नैनपाल रावत कौन होते हैं? हमारी पार्टी में कृष्णपाल गुर्जर और मुझे गद्दार कहने वाले, यह कहना है पृथला से भाजपा उम्मीदवार टेकचंद शर्मा का। दरअसल भाजपा उम्मीदवार टेकचंद शर्मा लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और पृथला विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने को लेकर भाजपा दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रही है। ये दौरा क्या अपने आप में ऐसा माहौल बन चुका है। यहाँ मैंने तो इतना कहना था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ प्रत्याशी हो और चुनाव की रणभेदी बढ़ चुकी है, इनको सिर्फ ये कहने आया था कि आप अपने चुनाव को लड़ना शुरू करें। और आज आपने देखा होगा कि मैं जिस गांव में भी जाता हूँ, चाहे छोटा गांव है या बड़ा गांव है, सैकड़ों की संख्या में पता लगते ही अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। अभी मैं लदियापुर गया, कबूलपुर गया, इधर जना भनकपुर गया, सैकड़ों की संख्या में वहां लोगों ने स्वागत भी किया। मैं स्वागत के लिए उनसे नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा रहूँगा। लोगों का प्यार है वो हमेशा दर्शाता है कि जो पिछले 5 साल में जो हमने 14 से 19 विकास किए थे वो आज हमारे सामने हैं। हम तो इनका दिल से धन्यवाद करने आए कि टिकट आपको मिल चुकी है, अब इलेक्शन की लड़ाई लड़ो। विधायक बने नहीं, अनाउंस पहले ही करते, डिस्पेंसरी बनवाएंगे। भाई साहब ऐसा है, विधायक कौन बनाता है? देखिए विधायक बनाती है जनता, और जनता ने जो आप देख रहे हो इनका जोश है जो, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें सबको पता है कि अब की बार तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। नायब सिंह सैनी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और टेकचंद शर्मा जब यहाँ से विधायक बनेगा ना, जब उन्हें पता है कि भाई मेरे को एक एक गांव की एक एक जगह का एक एक माहौल का पता है, अनाउंस भी करेंगे, काम करवाएंगे भी और किए भी हैं। इनको सबको मेरे पर विश्वास है कि जो टेकचंद शर्मा कहता है वो करता है। नैनपाल रावत ने ऐलान कर दिया निर्दलीय चुनाव का, लड़ना चाहिए उन्हें, अच्छी बात है। आपकी बात पता भी लगे लोगों को कि भाई कितनी बजे से कैसे कैसे माहौल चल रहा है, क्योंकि काम किए होंगे तो अब की बार जवाब भी अच्छे मिलेंगे। गद्दार बता रहे हैं आपको कृष्णपाल जी को। पंडित टेकचंद शर्मा जिंदाबाद। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, गद्दार बताने का उन्हें किसने हक दे दिया? भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और एक केंद्र में मंत्री जिन्होंने छोटे से लेकर के बड़े तक का पूरी राजनीति की है, आज उसको गद्दार बताना था।